खरगोन जिले के बड़वा में नर्मदा पुल के पिलर में दरार के मामले में तकनीकी परीक्षण का दौर जारी है। खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि NHAI की तकनीकी रिपोर्ट आने के बाद ही पुल का यातायात शुरू होगा। घटना दुर्घटना को नकारने को लेकर प्रशासन ने एहतियात और सुरक्षा को लेकर कदम उठाया है। इधर बड़वा में आज NHAI की टीम के साथ GSITS इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर के इंजीनियरों की टीम बड़वा पहुंची। इंजीनियरों ने पिलर की दरार की जांच शुरू कर दी है। तकनीकी जांच के बाद ही NHAI प्रशासन को आज शाम या कल रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन निर्णय लेगा। कलेक्टर ने बताया कि पिलर में दरार पुरानी या नई से मतलब नहीं है। लोगों की सुरक्षा और एहतियात को लेकर NHAI की टीम से परीक्षण कराया जा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जो नर्मदा का पुल है उस पर यातायात बंद है। नर्मदा का जल स्तर बढ़ा था इसलिए यातायात रोका गया था, लेकिन कुछ दरार या क्रैक की बात की जा रही सर, क्या है इतना? जब पुल से पानी उतरा तो ये पाया गया कि उसमें पिलर में कुछ दरार है। अब चूंकि उस पर आवागमन काफ़ी है तो सुरक्षा की दृष्टि से निर्णय लिया गया कि उसका एक तकनीकी इवैल्यूएशन कराया जाए। NHAI इंदौर की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है GSITS, उनकी टीम से उसका तकनीकी अप्रेजल करा रही है। उसमें अगर उपयुक्त पाया गया कि ट्रैफिक के लिए ये चालू किया जा सकता है तो चालू किया जाएगा। अगर उनको लगता है कि इसमें तत्काल कुछ मरम्मत की आवश्यकता है तो मरम्मत का काम करेंगे। सर ये पुरानी दरार है क्या बताया जा रहा है? क्रैक पुरानी नई से मतलब नहीं है, उनको ये दिखा है और विजिबल है तो कोई भी, हम लोग पूरा प्रिकॉशन ले रहे हैं किसी तरह की कोई घटना की संभावना को रोका जाए, इसके लिए काम हो रहा है। सर प्रिकॉशन के दौरान अभी पुल बंद रहेगा? एकदम बंद रहेगा पुल, मतलब उनकी रिपोर्ट के आने के बाद ही? हाँ, आज शाम तक या कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आएगी उसकी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।